आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं वीवी इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग की, और वीवी इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो क्या है प्रॉब्लम, इसको एक बार देख लीजिए। जैसे कि हमारे पास कुछ चेकलिस्ट है, यहाँ पे नेम्स है और यहाँ पे ये भी हो सकता है, सिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने अपना नेम वगैरह दे दिया हुआ है, और यहाँ पे डेट है। डेट क्या है, ये आपका मई का, अप्रैल का डेट ही डाल देता हूं मैं, और इस अप्रैल को आगे की तरफ ड्रॉप डाउन कर देता हूं। हेलो एक महीने सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है सर। हाँ सर, वो थोड़ा साउंड सेटिंग में तो प्रॉब्लम हुआ था माइक्रोफोन में, तो यहां मैंने किया, बट इसमें थोड़ा सा मुझे जो करंट डेट का जो फॉर्मूला है ना, जो लॉजिक है, वो मुझे अप्लाई करने को नहीं आया, जो हमने पहले आप की जो पहले किया था। आप लोग पहले चीज को बताइए कि आप लोग मेरी YouTube चैनल को फॉलो करते हैं? हाँ सर, आप फॉलो करते रहते हैं तो आप तो अभी बात नहीं बोलते, क्योंकि कल रात में मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर दी है कल रात नहीं देखा तो सर। देखने के लिए, कि कल रात में हुई 8 बजे के आसपास, 7:30 ओके के आसपास ओके ओके देखने के लिए देखा कि आप लोग मेरे YouTube वीडियो को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो कल रात को नहीं देखा मैंने। तो ये बाइंडिंग टू का फॉर्मेट हमने अप्लाई कर दिया, जिससे टिक का यस निशान एंड क्रॉस का निशान आ जाता है इस तरह से। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमारा जो कॉलन है उस कॉलन में टाइप हमें करना है, लेकिन मैं करेंट डेट के कॉलम में ही चेंज कर सकता हूं, मतलब कि 28 तारीख, इसके अलावा किसी और में मैं ना कर सकता। बात समझे? तो मैं क्या करूंगा, सीट पे जाऊंगा, यहाँ पे व्यू कोड पे आऊंगा और यहां से सिलेक्शन, जैसे अब यहां पे मैं सिलेक्शन यहां पे जो है चेंज नहीं करूंगा। चेंज क्यों, कि चेंज तो टाइप होने के बाद है ना, यहां पे मैंने कर दिया तो इसकी जो कोड है टाइप होने के बाद है ना, मेरी कंडीशन क्या है कि डेट पे ही टाइप करना है, तो टाइप करने से पहले ही चेक कर लें कि एक करंट डेट है या नहीं, क्योंकि अगर टाइप मैंने करने दिया तो फिर टाइप तो करेगा ही करेगा। बिफोर बिफोर कंडीशन पहले देनी की पड़ेगी। जो इवेंट पे किया तो चेंज इसलिए किया था क्योंकि हमें एक बार टाइप करने के बाद चेंज नहीं करवाना है, बट यहां कंडीशन यह है कि कंडीशन होने पे ही टाइप करवाना है, करेक्ट, इसलिए हम यहां पे चेंज नहीं करेंगे। चेंज मतलब कि टाइप करने से पहले हम क्या करते हैं, टाइप करने से पहले हम सिलेक्शन करते हैं, उस पे कर्सर रखते हैं। यस, मैं इस पे कर्सर रखूं, ये चेक कर ले कि एक जिस सेल में उन्होंने कर्सर रखा है उसका कॉलम का हेडिंग आज का डेट है या नहीं है। अगर आज का डेट है तो इस कॉलम को अनेबल कर दें टाइपिंग के लिए, अदरवाइज प्रोटेक्ट रखें। तो सबसे पहले मैं यहां पे डिम आर एज ए रेंज लूंगा, आर एज ए रेंज, और यहां दूंगा कि सेट आर इक्वल टू, यहां पे दे दिया सेल सेल्स, बोला कि रो वन है और एक्टिव सेल जहां पर कर्सर रखा है एक्टिव सेल डॉट कॉलन, इसका कॉलन है। हमें ये पता चल गया कि कर्सर जहां रखा जाता है, कहीं भी कर्सर जहां हम रखेंगे उसके हेडिंग क्या है, हेडिंग वाला रो में हेडिंग क्या है, तो हेडिंग वाला सेल का यहां पे आ गया। अब यहां पे सिंपल सा कंडीशन होगा कि इफ आर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डेट, यहां पे नहीं इक्वल टू नहीं लेस देन कुछ नहीं, हम जस्ट इक्वल टू कर देते क्योंकि सेम डेट ही चाहिए ना। करेक्ट किरण जी समझ में आया कहां गलती थी आपकी? हाँ हाँ समझ में आ रहा है। हाँ, क्योंकि आपने ग्रेटर देन लेस देन लगाया, जरूरी नहीं है, हम उसी डेट पे करना है, हमें उसी डेट का बिटवीन करना चाहिए तब ना ग्रेटर देन लेस देन लगाएंगे। सर, ये R इज इक्वल टू सेल्स वन जो दिया है ना आपने, वन वन एक्टिव सेल का वन, तो नहीं 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 सुनिए सुनिए,
हम जहां पे कर्सर रखें, पहले रो, जहां पे हम कर्सर रखें उसके पहले रो क्या हेडिंग लेना है, तो रो पहला हमें पता है, कॉलम कौन सा होगा वो डिपेंड करता है जहां वो क्लिक करेगा या सिलेक्ट करेगा उसके। इसलिए हमने बोला सेल्स रो नंबर वन और कॉलम नंबर जहां पे क्लिक हुआ है उसका कॉलम, समझे सर? यही चीज मैं जैसे की थी एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सेल अप करके, वो चीज इसमें यहाँ उसके बाद एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सेल नहीं, वो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, डेटा हुआ तो एंड ऑफ करेंगे तो बीच में का डेटा खाली हुआ तो एंड अप तब करते हैं ना जहाँ पता नहीं होता, हमें लास्ट बोलना होता है, पता नहीं कौन सा रो है, लेकिन हाँ जो लास्ट सेल है उस पर करना है। लेकिन यहाँ तो पता है हमें कि मैं पहले रो ये सीट वन या जो भी सीट का रेफरेंस है दे दीजिए, सीट वन डॉट हेलो अनप्रोटेक्ट, हम पहले पासवर्ड हटाएंगे, डिस्कनेक्ट हुआ था, सीट वन डॉट अनप्रोटेक्ट, उसके बाद यहां हम करेंगे सेल्स डॉट लॉट इक्वल टू ट्रू। हेलो, और हाँ बोल सुनना, एंटायर कॉलम डॉट स्क्रीन डिस्कनेक्ट हुआ है सर, क्या डिस्कनेक्ट हो गया? और यहां पे देंगे हम सीट वन डॉट, हाँ सर बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था, अभी मैं रिकनेक्ट हुआ हूँ। देखिए कोड हमने सिंपल सा यूज किया है, हमने बोला कि सबसे बोला कि कर्सर वहां पे चलना चाहिए जहां पे मैं क्लिक करूं, जहां भी मैं क्लिक करूं, ओके? जैसे मैं क्लिक करूं, क्लिक करते ही उसका जो एड्रेस है वो एड्रेस में से कॉलम ले ले, मतलब जहां पे क्लिक करूं उसका कॉलम नंबर जैसे कि साथ है तो साथ ले लिया, और हमें पता है कि पहला रो हेडिंग है तो वन, तो एक एड्रेस भी बन गया है, ए वन सी वन डी वन ई वन, जहां भी क्लिक करेगा ऐसे एड्रेस बन जाएगा, उसको हमने असाइन कर दिया आर के ऊपर, हमने यहाँ पे आर रेंज डिफाइन कर दिया आर के ऊपर असाइन कर दिया। फिर यहाँ बोला कि आर डॉट वैल्यू, मतलब कि पहले हेडिंग, पहले कॉलम की जो हेडिंग है, हेडिंग डॉट वैल्यू इक्वल टू सिस्टम डेट इज द करेंट सिस्टम डेट, डेट का मतलब क्या हुआ करेंट सिस्टम डेट। अगर यहाँ पे आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर डेट तो पर्टिकुलर डेट आप यहाँ पे डाल सकते, अगर ऐसा हुआ तो पूरे सीट को अनप्रोटेक्ट करें, पूरे सीट को अनप्रोटेक्ट करें और पूरे सेल को सिलेक्ट करके लॉक्ड को ट्रू करें। क्यों? क्योंकि कल के डेट में, कल के डेट का जो अनलॉक्ड होगा उसको लॉक्ड कर देगा ना, लॉक्ड करे, और जिस सेल में हमने क्लिक किया ये एक्टिव सेल उसकी एंटायर कॉलम को लॉक्ड को फॉल्स कर दे। फॉल्स करने से क्या होगा, इस पे हम टाइपिंग कर पाएंगे, हाँ। तो क्या हुआ, हम इस पे टाइपिंग कर पाएंगे, कर पाएंगे। सर सेल्स डॉट लॉक, सेल्स डॉट लॉक जो किया है ना, सेल्स डॉट लॉक इज इक्वल टू ट्रू, तो उसको कैसे पता चलेगा कि प्रीवियस सेल्स का मतलब ये? सर मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है, पीछे की चीज भूला मत कीजिए सर, हमने जब रेंज सिलेक्शन पर आया था उसे बताया था सेल्स का मतलब होता है एंटायर सीट, ओके? सेल्स के अंदर में अगर आप कोई नंबर देते हैं इट मींस वो पर्टिकुलर सेल, पर्टिकुलर करेक्ट, अगर आप कुछ नहीं देते हैं तो एंटायर सीट, तो एंटायर सीट को लॉक कर दे रहा है, क्योंकि तो उसको नहीं पता कोई इससे पहले का डेट फाइंड करने की क्या जरूरत है कि कल की डेट में कौन कौन लॉ अनलॉक्ड है, क्यों फाइंड करे, सिंपल सा हमने बोला कि पूरी सीट को लॉक कर दो और फिर सिलेक्टेड कॉलम को अनलॉक कर दो, पासवर्ड डाल दो, काम हो गया। अब मैं जैसे क्लिक करूंगा मेरा प्रोसीजर ऑन हो गया, अब मैं यहां पे ऐसे पी लिख के एंटर मारा तो यहां एंट्री हो गई, बट मैं इस पे कुछ नहीं होगी, इस पे एंट्री करना चाहो नहीं होगी, समझ गया? हाँ सर, मैंने दो कंडीशन दे दिया था।
और शायद मेरा लॉक लगाने का प्रोसीड्यूर भी गलत था। एक मिनट में देख बता दिया ना मैम कि आपका कोर्स गलत है। सर ये R is equal to set जो किया है ना, set R is equal to cells one active cell, तो इसका एक just cursor देके दिखाओ ना कि कहाँ पे जाता है, किसे जाता है। बस बस में active cell क्या है, क्या मतलब क्या हुआ? Active column जहाँ पे हमारा selection है। Column नहीं, cell। अच्छा वो cell, अच्छा वो sheet। यहाँ पे क्लिक किया ना, तो A3 ठीक है, तो इसका कॉलम नंबर हमने करेक्ट, तो ये हो जाएगा, इससे मान लीजिए ये हो जाएगा इस तरह से, हाँ A3 करेक्ट। और वन क्या है सर? वन स्वाद जी, देखिए यहां पे बताता हूं, हम यहां पे लिख सकते हैं रेंज रो नंबर। देखिए मुझे पता चल गया क्या प्रॉब्लम है। A1 डॉट सेलेक्ट और सेल्स 1.1 डॉट सेलेक्ट, इसमें 1 क्या है? रो और कॉलम। रो और 1 क्या है? पहला 1 इज रो, दूसरा 1 इज कॉलम। यहाँ भी तो 1 इज द रो होगा ना? हाँ तो वो वहां पे वो रो पहला रो बोला तो क्या मीन्स पहले इसमें जाएगा ना, वो ऊपर जाएगा। मैच किससे करना है? डेट से करना है ना। मैं डेट कहाँ पे? पहले रो पे। अभी अभी A3 जो है ना, जहाँ पे अभी अभी आपने सिंपल सी बात सुनिए, जरा आपको दिमाग में लगाइए, सिंपल सी बात को समझिए सुहाजी। हमें क्या करना है कि मैं जहाँ पे क्लिक करूँगा वो चेक करेगा कि उसका कॉलम का हेडिंग, कॉलम का हेडिंग में जो डेट डला है वो डेट हमारा सिस्टम डेट से है या नहीं। हाँ, तो ऊपर जाके डेट, हाँ, डेट तो सिंपल से बात समझाइए, सिंपल से बात समझिए कि कॉलम का हेडिंग जो है कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम तो क्लिक यहाँ कर रहे हैं, तो हमने बताया कि हमें पता है कि कॉलम का हेडिंग पहले नंबर रो पे, करेक्ट, तो हमने यहाँ पे पहला नंबर रो दे दिया, इसलिए 1 दिया है। ओके सर, अंडरस्टूड, और समझ गया। और कॉलम जो है जहां क्लिक करेगा उसका कॉलम एक्टिव, एक्टिव कॉलम, तो ये हमें पता चल जाएगा कि हमारा हेडिंग जो है वो इस लोकेशन पे है जहां मैच करेंगे, यहाँ पे हमने मैच कर लिया। समझ गया सर, है ना। अब बादाम खाएगी थी, अब एक आध के जी से काम नहीं चल रहा। आवाज ब्रेक हो रही है, स्वाद मुझे आप आपको, हाँ बहन जी बोली, क्या बोल रहे हैं आप? इस शीट में तो डेट है, तो हम लोग अगर यही चीज हम लोग एंट्री के ऊपर करने का कोशिश की, नीचे कोई डेट नहीं है, पर आज का डेट का जो एंट्री हो रहा है सिर्फ उसी को कस्टमाइज कर सकते हैं, इसकी पहले का कोई एंट्री और बाद का एंट्री में नहीं कर सकते, मतलब बाद का तो छोड़िए, पहले का एंट्री में नहीं कर सकते, तो क्या ये पॉसिबल है? तो पहले का एंट्री कैसे डिसाइड होगा? पहले का एंट्री है कैसे डिसाइड होगा? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, स्वाद जी आपको भी ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो सर, नेट का इशू। हेलो, हाँ बोला कि आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है स्वाद जी? हाँ अभी आ रही है सर, इससे पहले नहीं आ रही थी, बीच बीच में ब्रेक हो रहा है ये। मेरा आवाज की, किरण जी की आवाज, आपकी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। एक मिनट दीजिए, बीच पे तो स्क्रीन डिस्कनेक्ट हुआ सर मेरा अभी। जाहिद जी आपको भी दिक्कत हो रही है मेरी आवाज में? नहीं सर। तो आप दोनों के नेट में प्रॉब्लम है ना? एक मिनट, नेट प्रॉब्लम होता तो सॉल्यूशन होता, तो कहने का मतलब ये है सर, मौसम बहुत खराब है, मौसम बहुत खराब है, इसलिए
तो एग्जाम्पल समझ में आ गया ना आपको? अब इस एग्जाम्पल का रेफरेंस में लेते हुए बाकी जो पे प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। कुछ और करवाना है आपको तो ठीक है। ठीक है सर, मैं एक चीज आया है, मैं करके आपको दिखाती हूं, नहीं हो ठीक है। और दूसरी चीज, मैंने जो कल रिकॉर्डिंग भेजी थी उसको देखा था आपने फंक्शंस की? सर मेरे पास तो नहीं आया। नहीं रिकॉर्डिंग छोड़िए, वो क्या बोलते हैं पेज फंक्शन का दिया था ना सर आपने? सर हाँ वो देखा सर वीडियो मैंने। सर पेज दिया था वो वीडियो पहले। तो प्रैक्टिस कीजिए, कल से हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे ठीक है? ठीक है सर, मैं एक आपको दिखा रही फंक्शन स्टार्ट कर। ठीक है कल से फंक्शन स्टार्ट करते हैं, तो इंटरनेट भी आप लोगों को सही हो जाएगा ठीक है। और इस एग्जाम यहाँ पे डेली बारिश बहुत हो रहे हैं। हाँ समझ सकता हूँ।